दोस्तों, आज हम बिनसर के ढलते हुए सूरज का आनंद लेने जा रहे हैं। बिनसर कुमाऊं का एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। इसका आल्टीट्यूड लगभग 7,500 फीट है और यह अल्मोड़ा से मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता है। इतना शांतिपूर्ण क्षेत्र है, ये इतना आनंददायी क्षेत्र है, जो माउंटेन लवर हैं, जो भीड़ भाड़ वाली जगह को पसंद नहीं करते, उनके लिए स्वर्ग जैसा है। पहले भी एक दो बार जाना हुआ है यहाँ। वास्तव में एकदम शांत क्षेत्र है और हृदय भी गदगद होता है। बिनसर की खासियत यह है कि यहाँ पर कसार देवी का मंदिर है, जिसका एनर्जी हम अपने सिस्टम में महसूस करते हैं। ये एक स्वयंभू स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी साधना की है। कसार देवी थोड़ी देर में वहाँ पर बैठकर उन्होंने साधना की थी। और यहाँ कोई विश्व का दूसरा या तीसरा मैग्नेटिक जोन भी है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, एक विशेष नाम से इसे पुकारा जाता है। आप यहाँ जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, चाहे होम स्टे में रहें, होटल में रहें, किसी भी जगह आप रहें, आप इस जगह के बारे में ये एहसास करेंगे कि यहाँ पर बहुत आनंद की अनुभूति होगी। हृदय गदगद हो रहा है, बिना बात के आपका हृदय यहाँ गदगद होता हुआ महसूस होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैंने महसूस किया है, दो तीन बार जाते जाना हुआ है। और शायद यहाँ पे जो ऊर्जा है देवी की, इसका प्रभाव है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि देवी का जो स्थान है हमारे शरीर में, सेंट्रल हार्ट में होता है, मध्य हृदय, बिल्कुल दिल के बीचों बीच। और अगर कोई देवी का कोई जोन है, एनर्जी जोन है आसपास, तो उसका प्रभाव हृदय में पड़ना ही पड़ना है, जिसके कारण आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, बहुत अच्छी अनुभूति होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख सकते हैं, ये तो कहने को तो एक सनसेट का शूट है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि सनसेट के शूट के साथ हृदय में एक आनंद का संचार हो रहा है, खुश हो रहा है। कारण यही है क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा है, ये हमारे रोम रोम को पुलकित करती है, आनंद की अनुभूति होती है। और वैसे भी सूर्य, सूर्य तो साक्षात भगवान है, जिन्हें हम देख सकते हैं। ये भगवान इसलिए है कि हमारी जो बायोलॉजिकल यूनिट है, इन्हीं के ऊपर आश्रित है। अगर ये लोप हो जाए तो हमारा शरीर यूं ही नष्ट हो जाएगा और इस धरती पर जो जीवन है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इनकी शक्ति से ही इस सृष्टि का, इस धरती का जीवन चलता है और परमात्मा की सर्वोत्तम रचना मानव का भी शरीर इन्हीं से संचालित है। जो हम इनकी ओर अपनी चेतना को स्थापित करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है, शक्ति का अनुभव हो रहा है। यानी कि इन पे फोकस करने से हमारे सिस्टम में अंदर से एक अलग प्रकार की एनर्जी एक्टिव होना शुरू कर देती है। अक्सर आपने महसूस किया होगा
कि जब भी आप सूर्योदय को या सूर्य को छुपते हुए महसूस करते हैं, देखते हैं, तो आपका हृदय आनंदित होता है, बिना बात के आनंदित होता है। क्यों? इसका कोई बाहरी कारण आप नहीं समझ पाएंगे। देखने में तो लगेगा नहीं नहीं, सूरज बड़ा अच्छा लग रहा है, देखा कितना अच्छा दृश्य है। ये बात सच है, पर ये असलियत ये है कि आखिर ये अच्छा लग क्यों रहा है, हमारे भीतर किसको अच्छा लग रहा है। जरा सा फोकस करके देखें अपने अंदर, तो गहराई से महसूस करके देखेंगे तो आप पता लगेगा कि हमारी सोल है वो आनंदित है। ब्यूटीफुल क्लाउड लाइन इसका एक कारण है। परमात्मा ने जैसे हमारी रचना की है, ऐसी सूर्य की भी रचना की है, चंद्रमा की भी रचना की है, सब चीजों की रचना उन्होंने ही की है। तो जिस प्रकार से हम बनाए गए, उसी प्रकार से ये सब चीजें भी बनाई गई हैं, और इन सब के भीतर भी इन सब की एक सोल विद्यमान है, सबकी सोल। देखने में तो पहाड़ स्टैटिक लगते हैं, तो भाई एक जगह स्थिर है, मिलते डुलते नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन उनके भीतर में अनेकों प्रकार की ऊर्जा का मूवमेंट होता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं पहाड़ की भी सोल होती है, क्षेत्र की भी सोल होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोल इन सब रचना से, ये सारी रचना से हमारी सोल इंटरैक्ट करती है, और रचना के भीतर में जो सोल है इनकी, उस सोल से हमारा इंटरेक्शन होता है, और उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं हमारे हार्ट में आनंद के रूप में आते हैं। क्योंकि हम बाहरी रूप से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो हम इस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं करते कि आनंद आने का कारण क्या है। जो जॉय है, जॉय रिफ्लेक्सेस है, किस चीज के, जिसको हम देख रहे हैं उसकी सोल के रिफ्लेक्सेस जॉय के फॉर्म में हमारे अंदर घटित हो रहे हैं। और चूंकि इन तथ्यों को हम पूरी तरह जान नहीं पाते, तो हम ऊपरी तौर से कहते हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दृश्य बहुत सुंदर है, यह दृश्य अलौकिक है, दिव्य है। कौन बता रहा है यह दृश्य दिव्य है? Who is telling us? माइंड के पास तो ये क्षमता है नहीं कि दिव्यता को समझ सके, यकीनन हमारा हृदय बता रहा है। पर हृदय तो एक स्पीकर है, किसका? हमारी सोल। तो हमारी सोल ही इस चीज को हमें बता रही है, ये दिव्य है, ये अलौकिक है, ये सुंदर है, परम सौंदर्य है, परम का सौंदर्य है, रचनाकार का सौंदर्य है। इस प्रकार से हम प्राकृतिक दृश्यों से जब इंटरैक्ट करते हैं, पर्वतों की चोटियों से, बर्फ की चोटियों से इंटरैक्ट करते हैं, सागर से इंटरैक्ट करते हैं, नदी से इंटरैक्ट करते हैं, पेड़ों से इंटरैक्ट करते हैं, जितनी भी इस प्रकार की चीज़ें हैं जो प्रकृति के द्वारा मैनिफेस्ट होती हैं, तो उन सब की सोल के रिफ्लेक्सेस हमारी अपनी सोल में आते हैं, और हम आनंद की अनुभूति करते हैं। हम इसे बहुत से लोग मेंटल नो हाउ से पूरी तरह फुलफिल्ड होते हैं, या कहें कि मेंटली बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर सेव्ड है, माइंड के अंदर सेव्ड है, उसके आधार पे हम बहुत सी बातें काट सकते हैं, जैसे कि अनुभूति की बातें भी काट सकते हैं आसानी से। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, ऐसे होता है, कैसे पता?
कैसे पता कैसे होता है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, पढ़ा हुआ है, कहीं सुना हुआ है, पर महसूस नहीं किया है। अगर हम महसूस करने के आधार पे किसी के द्वारा महसूस किए गए के जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम अंडरस्टैंड करें या एब्जॉर्ब करें तो हम जान जाएंगे। किसी का महसूस हुआ हुआ भी हमें महसूस हो रहा है, इसलिए हमारी फीलिंग दूसरे की फीलिंग को रेजोनेट करती है, सत्य ठहराती है। तो ये अनुभूतियाँ अक्सर होती रही हैं, तो हमने सोचा कि आज आपके साथ इन अनुभूतियों को लेकर कुछ चीज़ शेयर करते हैं। आशा करता हूँ शायद थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो ये जो अनुभूतियाँ हैं। अनुभूतियाँ आनंद तो देती ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब हम आपस में अनुभूतियों की शेयरिंग करते हैं तो हमारा जॉय और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए हार्ट ओरिएंटेड होना सर्वश्रेष्ठ है। तो समाप्त करते हैं, फिर किसी ऐसी अनुभूति के साथ किसी अगले वीडियो में शामिल होंगे। तब तक के लिए